हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप सब अच्छे ही होंगे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए क्वेश्चन ऑफ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन द ट्रम वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम इन टर्म्स ऑफ सी पी यू शेड्यूलिंग ठीक है तो माय डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है सी पी यू का इस पर आते हैं बहुत सारे नूमेरिकल ठीक है लेकिन हम बाय फॉर्मूला कैलकुलेट तो कर देते हैं व्हाट इज़ वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम लेकिन कई बार क्या होती है हमारे पास ये ट्रम पूछ लेती पूछ लेते हैं इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आइए हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कैसे वेटिंग टाइम क्या होता है वेटिंग टाइम इज़ द टोटल टाइम वेटिंग टाइम इज टोटल टाइम स्पेंट बाई ए प्रोसेस इन रेडी स्टेट वेटिंग फॉर सी पी यू ठीक है यानी कि वो टाइम जो एक प्रोसेस रेडी क्यू में स्पेंड करती है किसके लिए सी पी यू का वेट करने के लिए मान लेते हैं हमारे पास तीन प्रोसेस हैं पी वन पी टू एंड पी थ्री ठीक है तीन प्रोसेस हैं इनका टाइमिंग अलग अलग है मान लेते हैं इनका ब्रश टाइम हमारे पास थ्री है इसका टू है और इसका एट है ठीक है अराइवल टाइम ये तो होता है ये तो गिवन है ब्रश टाइम एक होता है अराइवल टाइम ठीक है अराइवल टाइम पी वन का वन है पी टू का टू है और पी थ्री का थ्री है ठीक है फ्रेंड्स तो वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं ये देखिए हमारे पास जैसे ये है फर्स्ट प्रोसेस P1 आई P1 को मिल गया प्रोसेसर ठीक है उसको वेट नहीं करना पड़ा तो उसका वेटिंग टाइम क्या हो गया हमारे पास जीरो फिर आई P2 P2 आई कितने पे टू पे लेकिन उसको प्रोसेसर कितने पे मिल रहा है क्योंकि ये P1 ऑलरेडी चल गई कंप्लीट होने के बाद वो वन पे चली थी थ्री पे कंप्लीट हुई तो कितना हो गया इसका फोर तो इसका वेटिंग टाइम कितना हो गया फोर माइनस टू यानी कि टू उसने कितने टाइम वेट किया टू मिनट्स ठीक है फ्रेंड्स यानी कि वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं वेटिंग टाइम का एक फॉर्मूला भी होता है वो होता है कंप्लीशन टाइम माइनस ब्रश टाइम ठीक है इज द टोटल टाइम स्पेंट बाय ए प्रोसेस इन रेडी स्टेट वेटिंग फॉर सी ठीक है फ्रेंड्स अब आता है हमारे पास नेक्स्ट होता है टर्न अराउंड टाइम ठीक है फ्रेंड्स टर्न अराउंड टाइम्स कौन सा होता है वो टाइम यानी कि टोटल टाइम टेकन बाय सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस फॉर एक्जीक्यूशन एंड रिटर्न ऑफ़ कंप्लीट आउटपुट ऑफ यूज़र यानी कि उसने टोटल टाइम कितना लिया सबमिट करने में और उसे आउटपुट मिलने में कितना टाइम लगा उसका डिफरेंस होता है टर्न अराउंड टाइम टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम यानी कि किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा वो होता है कंप्लीट टाइम कितने पे वो कंप्लीट हुई माइनस अराइवल टाइम अराइवल टाइम होता है फ्रेंड्स जिस टाइम पे वो आई ये किसी भी न्यूमेरिकल में दिया होता है अराइवल टाइम यानी कि किसी भी प्रोसेस को प्रोसेस को प्रोसेसर कब मिला और टर्न अराउंड टाइम हमें कैलकुलेट करना होता है ठीक है फ्रेंड्स टर्न अराउंड टाइम यानी कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रश टाइम ब्रश टाइम वैसे तो हमें दिया होता है गिवन होता है ब्रश टाइम ठीक है फिर भी हम क्या करते हैं इसको एक एक्सप्लेन एक करते हैं इज़ द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन ऑन सी ठीक है फ्रेंड्स सीपीयू पे कितना टाइम लिया यानी कि टोटल टाइम टेकन बाय प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन ऑन सीपीयू एक प्रोसेस ने कितना टाइम लिया सीपीयू को ठीक है सीपीयू का कितना टाइम लिया किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए वो होता है ब्रश टाइम नेक्स्ट आता है हमारे पास रैवल टाइम अराइवल टाइम कौन सा होता है एक रेडी क्यू होती है या रेडी स्टेट होती है उसने प्रोसेस ने रेडी स्टेट में एंटर करने के लिए कितना टाइम लिया किस टाइम पे वो एंटर हुई इज द टाइम वेन ए प्रोसेस एंटर इन द रेडी स्टेट एंड रेडी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन वो होता है अराइवल टाइम यानी कि कोई भी प्रोसेस किस टाइम पे एंटर कर रही है वो होता है उसका अराइवल टाइम ठीक है फ्रेंड्स अब हमारे पास आता है नेक्स्ट आता है एग्जिट टाइम एग्जिट टाइम कौन सा होता है फ्रेंड्स चलो एग्जिट टाइम एग्जिट टाइम होता है हमारे पास वो टाइम जब कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट करती है और सिस्टम से एग्जिट कर जाती है यानी कि इज द टाइम वैन ए प्रोसेस कम्प्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन एंड एग्जिट फ्रॉम द सिस्टम ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है इज़ द टाइम स्पेंड वेन ए प्रोसेस इन रेडी स्टेट एंड गेट सीपीयू यू फॉर फर्स्ट टाइम यानी कि रिस्पॉन्स टाइम उसको कितने टाइम में रिस्पॉन्स मिला ठीक है वो होता है रिस्पॉन्स टाइम यानी कि प्रोसेस कब आई थी और कितने टाइम वेट के बाद उसको सी एलोकेट हुआ फ़र्स्ट टाइम के लिए सी मिला किसी भी प्रोसेस को उसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्स टाइम ठीक है फ्रेंड्स आई होप ये छोटी छोटी डेफिनेशन है सबको समझ आ गई होंगी ये लास्ट ईयर 2019 के पेपर में यूनिवर्सिटी में बी और बी दोनों एग्ज़ाम्स में आया हुआ था फ्रेंड्स ठीक है इनको अच्छे से याद कर लेना और पेपर के लिए रेडी रहना चलिए एक डायग्राम की हेल्प से हम आपको बताते हैं कि कौन सी प्रोसेस कितना टाइम लेती है और क्या होता है देखिए अराइवल टाइम अराइवल टाइम क्या है इसमें हम बताते हैं आपको कोई भी प्रोसेस फर्स्ट टाइम आती है किसी भी अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए तो वो होती है हमारे पास ठीक है ये देखिए बताते हम आपको ये ब्रश काम नहीं कर रहा है एक सेकंड वेट कीजिए ठीक है ये देखिए ये हमारी जॉब्स हैं यानी कि मैंने पहले भी आपको बताया था प्रोसेस हैं हमारे पास जो आती हैं पी वन पी टू पी थ्री अदरवाइज ऑल ठीक है तो प्रोसेस किस टाइम पे आई ये देखिए ये हो गया जब वो फर्स्ट टाइम आई वो हो गया अराइवल टाइम जब उसे मिला सीपीयू यहाँ पे मिला तो अराइवल टाइम से एग्जीक्यूशन तो वो हो गया हमारे पास वेटिंग टाइम ठीक है और जब उसकी फर्स्ट आउटपुट आई उसको फर्स्ट आउटपुट मिली तो वो यहाँ तक क्या हो गया हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम ये जो प्रोसेस हैं ये क्या कर रही हैं रन कर रही हैं ठीक है फिर आता है टर्न अराउंड टाइम अराइवल टाइम से लेकर उसने कब तक अपनी प्रोसेस को फिनिश किया वो होता है टर्न अराउंड टाइम ठीक है फ्रेंड्स एक अराइवल टाइम एज द फर्स्ट टाइम वेन वी कम टू नो वी नीड टू कम्प्लीट ए टास्क एग्जीक्यूशन बिगिन यानी कि जब कोई भी प्रोसेस फर्स्ट टाइम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है फर्स्ट आउटपुट जब उसने फर्स्ट टाइम में अपना टास्क क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया वेटिंग टाइम यानि कि अराइवल टाइम और एग्जीक्यूशन के बीच जो उसे टाइम लगा वो होता है हमारे पास वेटिंग टाइम रिस्पॉन्स टाइम जब उसे फर्स्ट आउटपुट मिली अराइवल टाइम से लेकर फर्स्ट आउटपुट के बीच जो टाइम मिला वो क्या हुआ हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम ठीक है फ्रेंड्स अब आता है जो ये चीज़ें हमने की शेड्यूलिंग की अब हमारे पास क्या है टर्न अराउंड टाइम क्या होना चाहिए हमारे पास मैक्सिमम होना चाहिए सी की यूटिलाइजेशन है वो क्या होनी चाहिए हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए ठीक है और जो थ्रोपुट है सॉरी टर्न अराउंड टाइम हमारे पास मिनिमम होना चाहिए ठीक है मिनिमम टर्न अराउंड टाइम और थ्रोपुट जो हमारे पास थ्रोपुट आई है वो क्या होनी चाहिए मैक्सिमम थ्रोपुट होनी चाहिए ठीक है थ्रोपुट वो क्या होनी चाहिए मैक्सिमम ठीक है और यूटिलाइजेशन सीपीयू पी यूटिलाइजेशन वो भी मैक्स होनी चाहिए मिनिमम वेटिंग टाइम होनी चाहिए और मिनिमम हमारे पास रिस्पांस टाइम होना चाहिए इसीलिए हम क्या करते हैं शेड्यूल को एक क्राइटेरिया मान के चलते हैं इन चीज़ों को हमारी प्रोसेसेस को कम से कम टाइम मिले कम से कम टाइम में हमें बेस्ट से बेस्ट रिस्पॉन्स मिले दैट्स वाई वी यूज शेड्यूलिंग ठीक है फ्रेंड्स आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम हम करेंगे हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड नूमेरिकल आते हैं ठीक है फ्रेंड्स सी पी यू शेड्यूलिंग के ऊपर बहुत सारे नूमेरिकल आते हैं हम उनको सोल्व करेंगे